अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? आज हम डी कॉम पार्ट वन की जो मैथ स्टेट की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 18 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 18 और पेज नंबर है 276 पेज नंबर 276। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। जी अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो इसमें हमें वैल्यूज दी गई हैं 12, 8, 19। तो 12, 8, 19, 17, 25, 28, 17, 25, 28, 16, 18 और 20, 16, 18 और 20। जी ये हमें वैल्यूज दी गई हैं और इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप मीडियन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि इनको तरतीब में करना है। तरतीब का मतलब क्या है कि देखें, सबसे पहले वन आता है तो आप वन लिखेंगे, उसके बाद टू आता है तो टू लिखेंगे, ठीक है जी। तो इस तरतीब से, तो अब हम इसको तरतीब में करने जा रहे हैं। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो एट आता है, क्योंकि एट से पहले और कोई हिस्सा यहां पे नहीं है, तो वैल्यूज एट लिखेंगे। इससे पहले आप एक और अपनी आसानी की खातर एक और काम कर लें, इनको आप गिन लें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो यहां पे लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी टोटल जो वैल्यूज हैं ये 9 है और ये सीरियल नंबर है। इनको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में करने जा रहे हैं, तो असेंडिंग ये असेंडिंग ऑर्डर है जी। अच्छा, आठ के बाद अगर आप देखें तो यहां पे 12 आएगा, तो यहां पे लिखते हैं 12। जी 12 के बाद अगर आप देखें यहां पे 12 के बाद कौन सी अमाउंट आती है, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 17 आ रही है जी, यहां पे 16 और फिर उसके बाद 17 आ रही है। 17 के बाद देखें यहां पे ये 18 आएगा, 18 के बाद देखें ये 19, 19 के बाद ये 20 आएगा जी, 20 के बाद 25 और उसके बाद 28, 25 और 28। जी डियर स्टूडेंट यहां पर अगर आप देखें तो इन तमाम को मैंने तरतीब में लिख दिया है कि सबसे पहले 8 आता है, फिर 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25 और 28 ये हो गया। इसके अलावा अब आपने ये देखना है कि ये जो 9 जो है फिगर है, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो 9 है ये ताक अदद है, ठीक है जी, ताक अदद है। आप इसको ताक अदद लिख सकते हैं, यहां पे ये ताक है यानी ऑड नंबर है, ठीक है जी। तो जब भी याद रखिएगा कि ताक हो यानी ऑड नंबर हो तो आपने मीडियन का फार्मूला क्या लिखना है, यहां पे लिखेंगे मीडियन इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टू द आइटम, एन प्लस वन ओवर टू द आइटम, या द आइटम भी लिख सकते हैं या द वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, द आइटम या द वैल्यू। अच्छा यहां पर अगर आप देखें एन, एन ये टोटल कितने नंबर है, 9 है, तो एन की जगह 9 आएगा प्लस ये 1/2, द वैल्यू यहां पे लिखें द वैल्यू, उसके बाद 9 + 1 = 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 द वैल्यू, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 5th द वैल्यू। अब देखें ये 5 है तो आपने इन वैल्यूज में 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका जो आंसर है वो
18 हुआ, तो ये हमारा आंसर है। चलें जी डियर स्टूडेंट्स को नोट कर लें, शाबाश, इसको नोट करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जी नोट करें, जी आप इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो अगर डियर स्टूडेंट अगर आपने इसको लिखना है तो वीडियो को रोक के आप आसानी इसको लिख सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर है 19, एक्सरसाइज नंबर 19। जी 19 में भी फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा क्या है जी, 12, 14, 16, 15, 18, 20, 26, 8, 6, 25, 28 और 30। जी ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला काम आपने क्या करना है कि इनको गिनने, टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सीरियल नंबर 12 तक लिखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 तक हमने वैल्यूज लिख दी। जी अब आपने इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जिस तरह हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में पिछले क्वेश्चन को किया था। तो इसमें अगर आप देखें, यानी तरतीब से इनको लिखना है, तो इसमें पहले 6 आता है और उसके बाद 8 आता है, तो यहां पर लिखें 6 और उसके बाद है 8 और उसके बाद 12 आएगा। जी 12 के बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद 15 भी है, 16 भी है, 15 उसके बाद 16, 17 देखें यहां पे, 17 नहीं है तो 18 और 19 भी नहीं है, 18 और 20। जी 18 और 20 के बाद 25, 26, उसके बाद है जी 28 और 30। जी ये हमने इनको बिल्कुल तरतीब में लिख दिया है, यानी देखें सबसे पहले इस लाइन में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है, फिर 12, इनको हमने तरतीब में लिख दिया, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग। अच्छा अब देखना यह है कि ये कितने नंबर हैं, तो देखें ये 12 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 और 14, ये 12 है यानी जुफ्त है, ठीक है, इवन जुफ्त है, इसको हम इवन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा डियर फ्रेंड, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो नंबर थे वो ऑड थे यानी ताक थे, तो उसमें हमने फार्मूला दूसरा लिखा था। तो याद रखें जब ये सीरियल इवन होगी यानी जुफ्त होगी, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, यानी मीडियन इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ एन ओवर टू द आइटम प्लस द वैल्यू ऑफ एन प्लस 2/2। जी अब इसकी हम एंट्री करते हैं, तो ये 1/2 अपनी जगह पर लिखेंगे, 1/2, फिर द वैल्यू ऑफ n, देखें n हमारे पास ये 12 होगा जी, ठीक है, n की जगह लिखेंगे 12 और ये 2, फिर द आइटम्स प्लस द वैल्यू ऑफ n, n की जगह यही 12 हम लिखेंगे,
प्लस ये टू और डिवाइड बाई ये टू आ जाएगा। फिर ये वन ओवर टू, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, देखें टू वन जर टू, टू सिक्स जर ट्वेल्व, ये सिक्स आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखें ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, बारह और दो कितने हो गए, फोर्टीन हो गए, फोर्टीन को टू पर डिवाइड करें तो सेवन आता है, तो यहां पे आ जाएगा सेवन आ जाएगा। फिर वन ओवर टू, देखें ये सिक्स है तो यहां से शुरू करें, वन टू सॉरी ये सिक्स है तो वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो इसके सामने देखें सिक्सटीन है तो सिक्स की जगह लिखेंगे सिक्सटीन, प्लस ये सेवन है तो फिर सेवन के सामने क्या है एटीन है, तो अब सेवन की जगह हम लिखेंगे एटीन, यहां पे लिखेंगे एटीन जी। वन ओवर टू, सिक्सटीन और एटीन कितने होते हैं थर्टी फोर, तो थर्टी फोर वन जर थर्टी फोर डिवाइड बाय टू, तो थर्टी फोर को अगर हम टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर सेवनटीन जी। ये हमारा आंसर है एक्सरसाइज नंबर 19 का, नोट करें जिसको। इसको लिखें फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। और पेज नंबर वही 276 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द ब्रांचेस ऑफ ए प्लांट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच ब्रांच, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज अंडर, तो नंबर ऑफ लीव्स है जी, तो यहां पे लिखें नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन तक, तो यहां पर लिखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व और यहां पे ये थर्टीन हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये जो सेकंड लाइन है इसको आप एज ए एक्स के तौर पे लिखें, यहां पे लिखें एक्स, टेन एट फोर्टी सिक्सटी, टेन एट फोर्टी सिक्सटी, 45, 50, 65, 45, 50, 65, 70, 30, 20, 70, 30, 20, 90, 110 और 45 जी। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है तो अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। यहां पर कहता है कि required find the mean number of leaves per branch, एक तो हमने mean यानी arithmetic mean find करना है और दूसरा कहता है determine the median number of leaves और दूसरा हमने median find करना है, यानी दो हमने find करना है, एक mean हमने find करना है और दूसरा median हमने find करना है। तो dear student अब हम सबसे पहले mean यानी arithmetic mean find करेंगे, तो arithmetic mean का formula सब लोग जानते हैं कि क्या है, के अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समिशन एफ एक्स ओवर समिशन एफ जी, इसका ये फार्मूला है। तो हम इस तरह करते हैं कि देखें ये एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पे लिखें एफ ओवर एक्स जी। आप अपनी आसानी की खातिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो सेकंड लाइन है इसको आपने एज ए फ्रीक्वेंसी लिखना है और ये जो लाइन है इसको आपने एक्स लिखना है। आप उस तरह भी कर सकते हैं तो इस तरह जरा ज्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए। तो पहली लाइन को आप एक्स शो करेंगे और दूसरी लाइन को आपने एफ शो करना है। अच्छा अब एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे
तो 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह 2 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 4 को 60 से जरब देंगे तो 240 आ जाएगा। 5 अगर 45 से मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, 5 मल्टीप्लाई 45, 2 टू 5 आएगा। 6 को 50 से मल्टीप्लाई करें 300 आएगा। 7 को 65 से मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई 65, 455 आएगा। 8 को 70 से मल्टीप्लाई करें 560 आएगा। 9 को 30 से मल्टीप्लाई करें 270 आएगा। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा। 11 को 90 से मल्टीप्लाई करें 11 मल्टीप्लाई 990 आएगा। 12 को 110 से मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई 110 1320। 13 को 45 से मल्टीप्लाई करें 13 मल्टीप्लाई 45 तो ये आ जाएगा 585 जी। ये हमने f और x को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें f x के साथ समेशन लिखा है तो ये समेशन में ऐड करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है जी। अब हमने इनको ऐड करना है तो प्लस करें जी, 10 प्लस 16 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 225 प्लस 300 प्लस 455 प्लस 560 प्लस 270 प्लस 200 प्लस 990 1320 और प्लस 585 जी, ये 5291 आ गया, 5291 जी। अब आपने इस f को भी प्लस करना है, f को प्लस करें जी, 10 840 10 प्लस 8 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 90 प्लस 110 और प्लस 45 जी, ये आ गया हमारे पास 643। ये हमने f को ऐड किया तो हमारे पास 643 आ गया जी। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, देखें ये समेशन fx हमारे पास कितना आया, 5291 तो इसकी जगह लिखें 5291 डिवाइड बाई समेशन f, f कितना है 643 तो यहां पे लिखेंगे 643। इसको इस पे डिवाइड करें, शाबाश, 5291 डिवाइड बाई 643 ये आ गया 8.229 जी। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई थी। इसके बाद अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 करने जा रहे हैं, मीडियन की। मीडियन तो यहां पे लिखें मीडियन जी। डियर स्टूडेंट देखें ये ग्रुप डेटा है तो जब भी ग्रुप डेटा होगा तो उसमें आपने मीडियन का फार्मूला क्या लिखना है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये अरिथमेटिक मीन मालूम किया था तो अब हम ये मीडियन मालूम करने जा रहे हैं। तो मीडियन का फार्मूला क्या है, द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 ओवर 2 द आइटम जी। ये जो है मीडियन का फार्मूला है तो आप यहां पे देखें द वैल्यू ऑफ, यहां पे लिखें द वैल्यू ऑफ, देखें जी ये ग्रुप डेटा है तो जब भी ग्रुप डेटा होगा तो आपने सी एफ मालूम करना है पहले, ठीक है जी। तो यानी सी एफ का मतलब होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिखें सी एफ यानी कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे, देखें ये जो एफ है कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करना है, इकट्ठा करना है, प्लस करना है, कैसे
देखें ये फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 10, तो इसको एज इट इज 10 लिखेंगे, 10 के साथ प्लस करें 8 तो ये आ जाएगा 18, 18 के साथ प्लस करें 40 तो ये आ जाएगा 58, 58 प्लस 60 जी प्लस करते हैं 58 प्लस 60 118 आएगा, 118। अब 118 प्लस 45, 118 प्लस 45 163 आएगा, 163 प्लस 50 160 प्लस 50 213 आएगा, 213 के साथ प्लस करें 65 को, 213 प्लस 65 278 के साथ प्लस करें 70, 278 प्लस 70 348 के साथ प्लस करें 30, 378 के साथ प्लस करें 20, 398 के साथ प्लस करें 90, 488 डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है, तो 488 के साथ प्लस करें 110, 488 प्लस 110 598 आएगा, प्लस 45 643 आएगा, 643 जी, ये हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखें द वैल्यू ऑफ एन, एन हमारे पास ये अब 643 होगा, ठीक है, यहां पे देखें 643 प्लस ये वाला 1 डिवाइड बाई ये 2 द आइटम, फिर द वैल्यू ऑफ 643 प्लस 1 644 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा द आइटम्स, द आइटम्स। उसके बाद अब आपने 644 को 2 पे डिवाइड करें, 644 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 322 आ जाएगा। अब आपने 322 को एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, तो देखें ये 322 जो है यहां से देखें कहां पे नहीं आ रहा, तो 322 यहां पे नहीं, इसमें आ सकता है 322, ठीक है जी, 322 इसमें आ सकता है। अब ये जो 322 है देखें 278 में नहीं आ सकता, लेकिन इसमें आ सकता है क्योंकि 348 से पहले 322 आ सकता है, तो इसके सामने आप आएंगे x के कॉलम में, इसके सामने अगर आप आएंगे तो ये 8 आता है, ठीक है जी, ये देखें इसके सामने ये 8 आ गया, तो हमारा आंसर है 8, ठीक है जी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द आइटम, ये 322 इसमें आ रहा था, इसके सामने 8 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे जी, ये हमारा आंसर है। चलें नोट करें जी, शाबाश नोट करें, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करें जी इसको। जी डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरे इन एक्सरसाइज की समझ आ रही है, क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है एक्सरसाइज के बारे में, अकाउंट्स के बारे में या बाकी सब्जेक्ट के बारे में, ताकि वो आपके पास वक्तन फवक्तन पहुँचती रहे। इसके अलावा इन वीडियोज़ को कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती कहीं पर भी, किसी सब्जेक्ट के हवाले से कहीं पर भी, कोई टॉपिक आपको अगर समझ नहीं आता, इन एक्सरसाइज की अगर आपको समझ नहीं आती कहीं पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब लाजमन दूंगा। जी बहुत शुक्रिया। चलें डियर स्टूडेंट नोट कर लें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एक्सरसाइज को नोट करते हैं तो कोशिश करें कि वीडियो को रोक के और इसको जूम करके बड़ा करके आप लिखा करें, ताकि हर एक लफ्ज़ जो है आपको क्लियर नज़र आ सके। जी थैंक यू।